चांचौड़ा थाना क्षेत्र के तहत थाना पुलिस ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच उन्हें यातायात का पाठ पढ़ाया। चांचौड़ा थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं को 18 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ही वाहन चलाने और वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की नसीहत दी। थाना प्रभारी ने कहा कि छात्रों को अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उधर बीनागंज चौकी प्रभारी राज बिहारी शर्मा ने छात्रों से कहा कि छात्र छात्राएं व्हाट्सअप फेसबुक का उपयोग कम करें और पढ़ाई में मन लगाएं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें व किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 100 डायल पर कॉल करें। छात्राओं के लिए 1090 है। श्री कृष्ण मेमोरियल स्कूल के संचालक चंद्र कुमार यादव ने कहा कि विद्यार्थियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो भविष्य में उनकी नौकरी में दिक्कत आ सकती है, इसलिए छात्र अपराध के रास्ते पर भूलकर भी न जाएं। बीनागंज से ग्राउंड रिपोर्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपके सारे टैलेंट में जॉब के लिए जाओगे तो किसी भी जगह आपको जॉब मिलती है। ऐसे व्यक्ति को हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी हम काम करने के लिए जाएंगे वहाँ के लिए तो नहीं करोगे। बहुत सारे लोग आपस में कोई बात हुई, आपस में लड़भेड़ लिए और वहीं आपस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ, आप लोगों पर कोई मामला पंजीबद्ध हुआ, आपका चरित्र खराब हो जाएगा, तो फिर आगे आप नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य आपको डरा नहीं है, आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हमें और दूसरे लोगों में जो अशिक्षित लोग हैं उनमें और हमें पर अंतर क्या हुआ। दूसरी चीज सर ने बताया, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ लोगों को अभी 18 नहीं। मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन को अपने में आत्मसात करिए कि हम भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे हमारा करियर गांव पर रहे। यानी कोई भी वाकई पुलिस कोई भी जॉब आप करने जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। किसी छोटी सी छोटी नौकरी में भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहाँ उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आपके खिलाफ अगर कोई भी FIR दर्ज हुई, 8 नंबर रजिस्टर में एक खाता दर्ज हो गया हमेशा के। और विभिन्न प्रकार की गाड़ी भी चला रहे हैं, बिगर लाइसेंस से चला रहे हैं, उन्हें कौन कौन से केस फाइन हो सकते हैं।